तो ओजोन क्या है, अच्छा है खराब है? तो उसका कोई डेफिनेशन ऐसा नहीं कि कौन अच्छा है कौन खराब है, वो तो समझ में। अब आते हैं मीथेन पे। मीथेन अगर एटमॉस्फेयर में है तो इट्स ए ग्रीन हाउस गैस। मीथेन एज ए फ्यूल अच्छा है क्योंकि वो एफिशिएंटली जलता है। दोनों में अंतर है, CO2 एज ए फ्यूल नथिंग है, कुछ नहीं है। ऐसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए फ्यूल इज गुड, वो जो करते हैं ब्लास्ट फर्नेस नहीं, मैं इसका गैसिफिकेशन करते हैं ना, बायोगैस वगैरह जो बनाते हैं उसमें क्या है, सीओ रहता है, मोनोऑक्साइड रहता है, उसको जलाते हैं क्योंकि इसके जलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसके कारण मोनोऑक्साइड अच्छा थोड़ी हो गया। समझ में आया, क्लियर है? क्लियर है? तो मीथेन एज ए फ्यूल अच्छा है क्योंकि वो एफिशिएंटली जलता है, वो पूरा जलता है। बट मीथेन अगर मान लो एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया तो ये नहीं कि अच्छा है, वो तो ग्रीन हाउस गैस है। ये पार्ट क्लियर है कि नहीं? सर पेपर में दिया था कि इनटू थ्री टाइम्स मोर पोटेंशियल है CO2। कौन कौन? ये पेपर में पहले भी दिया था वो वाला। देखो एक बात जान जाओ, जितना भी इसमें है ना उसमें सबसे कम पोटेंशियल इसी का है, CO2 का ही है, ठीक है। एक तो ग्रीन हाउस पोटेंशियल जो होता है वो दो चीज पे डिपेंडेंट होता है, एक तो गैस का उस वक्त का इंटेंसिटी, दूसरा गैस की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जैसे कि इफ आई रिमेम्बर ये 14 गुना है, बट किस टाइम फ्रेम में वो भी तुमको देखना पड़ेगा। लेकिन सर उसमें ये नहीं लिखा हुआ था ग्रीन हाउस पोटेंशियल, लेकिन ये लिखा था कि थ्री टाइम्स मोर पोटेंशियल, तो वो तीन गुना भाई ग्रीन हाउस पोटेंशियल ही है वो। इनर्जी मतलब कि पांच मॉलिक्यूल CO2 का लोगे और पांच मॉलिक्यूल NO2 का लोगे तो तीन गुना ज्यादा एनर्जी कैप्चर करके रखे। अच्छा 300 गुना ज्यादा एनर्जी कैप्चर करके ये सब में आओगे तो 1500-1600 गुना कैप्चर करता है। जितना ये सिक्स HFC, PFC और SF6 है ना, ये सब तो मतलब 20,000 गुना 25,000 गुना इस तरह करके है। ग्रीन हाउस पोटेंशियल आएगा कहीं ना कहीं किताब में है तुम्हारे। अच्छा ठीक है, तो हम लोग सॉरी उतना नहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कुल मिलाकर आइडिया क्या है कि कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पे ये बसा है। इसमें डेवलपिंग कंट्री पे कोई बाउंडेशन नहीं था, केवल डेवलप्ड कंट्री पे बाउंडेशन था, और ये छह कंट्री हैं, ठीक है, ये छह गैसेस हैं। अब इसमें तुमको क्या है कि सबसे पहला सोचने वाली बात है, क्योटो प्रोटोकॉल का यूएसए जो है रेटिफिकेशन नहीं किया था। यूएसए डिड नॉट रेटिफाई क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। हालांकि वो 37 कंट्री के लिस्ट में वो भी था, बट यूएसए डिड नॉट रेटिफाई क्योटो प्रोटोकॉल। तो एक तरह से क्या हो गया, उस पर कोई कमिटमेंट बना ही नहीं। तुम पढ़ोगे आगे कि यूएसए जो है मतलब भले दूसरे को रूल पढ़ा है बट अपना रूल बहुत तोड़ता है, ठीक है। आगे उस इशू पे भी आएंगे कि क्यों बाहर हुआ, क्या हुआ है, उन लोग का क्या आर्गुमेंट है, उस इशू को भी हम लोग देखेंगे स्लाइटली। ये इशू क्लियर हो गया। अच्छा अब तुमको 5% का मैंने टारगेट तो दे दिया, बट ये 5% तुम अचीव कैसे करोगे, इसका मैकेनिज्म भी देना पड़ेगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल कहता है कि ये जो 5% तुमको अचीव करना है ऑन एन एवरेज, ये तुम डोमेस्टिकली भी कर सकते हो कोई काम। क्या बोलता है, या तो तुम डोमेस्टिक इनिशिएटिव लेके, मान लो कि मैंने क्या किया, भारत को मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तो मैंने क्या किया भारत में ऐसा किया कि मान लो सोच लो मेट्रो एक अच्छा इनिशिएटिव है फॉर एग्जांपल, मेट्रो का मैं नहीं देना चाह रहा, बरौनी का थर्मल पावर प्लांट मैंने बंद कर दिया क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल जलाता है, और मैंने वहीं पर बरौनी में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डाल दिया उतने ही कैपेसिटी का, तो क्या हुआ, वो तुम्हारा डोमेस्टिक इनिशिएटिव हो गया। या तुम क्या कर सकते हो कि कार्बन सिंक यानी कि पेड़ लगा दिया, फॉरेस्ट डेवलप कर दिया, क्लियर है। बायोगैस प्लांट इसमें डाल सकते हो, बायोगैस प्लांट भी डाल सकते हो ठीक है, क्योंकि मीथेन कम करेगा, ठीक है। तो एक तो या तो ये तुम अचीव कैसे कर सकते हो डोमेस्टिकली,
या वो मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म देता है। वो कहता है या तो तुम डोमेस्टिकली अचीव करो या मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म देता है। तो मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म में तीन मैकेनिज्म है। पहला है ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, पहला लिखो ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, पहला लिखो ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। तो ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन क्या नाम ही है, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। तो ये है कि कोई एक एनेक्स कंट्री, एनेक्स कंट्री मतलब जिसके ऊपर बाइंडिंग कमिटमेंट है, वो किसी दूसरे एनेक्स कंट्रीज के साथ मिलके कोई ज्वाइंट प्रोजेक्ट किसी अपने एक दूसरे के बीच में, मान लो कि यूएसए कनाडा से मिलके कनाडा में कोई ग्रीन हाउस गैस कम करने वाला स्टैब्लिश किया प्रोसेस, दिस विल बी कॉल्ड ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। तो इसमें क्या होगा, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन कहां लगता है, सबसे पहली बात समझ गया, इसमें क्या दो एनेक्स कंट्री इंगेज होते हैं, दोनों एनेक्स कंट्री इंगेज होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे एनेक्स कंट्री में जाके कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट, मान लो यूएसए में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है कि कार्बन गैस को एब्जॉर्ब करके उसको पत्थर बना देता है या कुछ ऐसा कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना के छोड़ देता है, कनाडा के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, या क्या क्या यूएसए ने फर्म ले जाके या इन्वेस्टमेंट करके ये कनाडा में ये काम कर दिया, तो उसको क्या कहा जाएगा, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन कहा जाएगा, ठीक है। और इसको जैसे पैसा होता है दर्जन होता है, वैसे ही सोचो एक टन CO2 इक्विवेलेंट, एक टन CO2 के बराबर का, अब मान लो मीथेन कम कर रहे हो तो एक टन CO2 जितना ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करता उतना उसका, अभी हमने मान लो मान लेते हैं कि 14 गुना ज्यादा करता है, तो 1/14 टाइम्स CH4 तुमने कम कर दिया एटमॉस्फेयर से, समझ में आ रहा है। तो इसको एक यूनिट बना दिया, इसको क्या बना दिया, यूनिट, एक टन CO2 को यूनिट बना दिया। तो कोई प्रोजेक्ट तुम ऐसा करते हो जिससे कि इस यूनिट का जितना मल्टीपल इफेक्ट होगा वो तुमको क्रेडिट हो गया, वो तुमको क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो तुमको अब क्या है, मान लो यूएसए, यूएसए ही लेके चलते हैं, मान लो यूएसए 1990 में 300 यूनिट CO2 प्रोड्यूस करता था, मान लेते हैं आज के दिन में उसके पास टारगेट कितना हो गया, 15 कम करने का, 5% करोगे तो 15 कम करने का हो गया ना, यानी कि आज के दिन में उसको कितना प्रोड्यूस करना है, 285 प्रोड्यूस करना है। तो यूएसए एक तो तरीका है, यूएसए 285 कैसे पहुंच सकता है, अपने देश में ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया कि 5 यूनिट कम करा लिया, बाकी का जो 10 यूनिट है उसको भी कम करना है, तो 10 यूनिट के लिए वो कनाडा में कोई प्रोजेक्ट किया बहुत बढ़िया, और उससे क्या हुआ, उसको 5 यूनिट आ गया, उसका क्रेडिट दूसरे कंट्री में जाके भी तुम काम कर सकते हो। इसमें लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे नहीं कर सकता काम, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन अभी बता रहे हैं, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में केवल एनेक्स कंट्री में ही तुम कर सकते हो, ज्वाइंट नाम है ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, क्लियर है। इसी का भाई है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स, इसी का भाई क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसमें तुम क्या करते हो, सेम काम तुम किसी डेवलपिंग कंट्री में जो कि किसमें नहीं है, नॉन एनेक्स कंट्री है, उसमें करते हो। मान लो जापान जो है इंडिया में मेट्रो लेते हैं, अगर मेट्रो नहीं होता तो कितने लोग कार से ट्रेवल कर रहे होते हैं, मेट्रो होने के कारण कितना पोल्यूशन हो रहा है, दोनों का जो घटा हो गया तो क्या हो गया, उतना तो ग्रीन हाउस गैस कम इमिट हुआ, तो उसको तुम क्रेडिट में कन्वर्ट करो, पर टन यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करो और तुम उतना जापान क्रेडिट ले जाएगा, समझ में आ गया। तो दैट प्रोजेक्ट विल बी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सिंपली बिकॉज इंडिया इज नॉट एन एनेक्स कंट्री, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, ओके।
तो दूसरा क्या कर सकता है, यूएसए कहीं किसी डेवलपिंग कंट्री में कोई प्रोजेक्ट कर दे तो 5 यूनिट उससे, तो ये 5 यूनिट, ये 5 यूनिट और ये 5 यूनिट कुल मिलाकर उसको 15 यूनिट हो गया। इट्स नॉट नेसेसरी कि यू मीट दीज टारगेट्स इन योर ओन कंट्री डोमेस्टिकली, रादर यू कैन मीट दीज टारगेट्स इन अदर डेवलपिंग नेशंस और थ्रू ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन इन अदर एनेक्स कंट्रीज एक्चुअली। क्लियर? और तीसरा तरीका है कार्बन ट्रेडिंग। तीसरा क्या तरीका है कार्बन ट्रेडिंग। मान लो जापान ने इंडिया में मेट्रो जो खोला उसको कम करना था 15 यूनिट, बट मेट्रो अकेले अकेले उसको 20 यूनिट दे दिया, तो 5 यूनिट उसके पास एक्स्ट्रा बचा। अमेरिका 15 यूनिट कम नहीं कर पा रहा है, तो अमेरिका को तो अब मीट करना पड़ेगा, तो अमेरिका उसको कहेगा तुम हमको 5 यूनिट दे दो, उसके बदले में जापान उससे पैसा लेगा, तो ट्रेडिंग हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ, बेचना हो गया। या मान लो हमको 285 यूनिट तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तुम्हारा एक फिक्स किया गया ना, 5% घटाने के बाद एक फिक्स हुआ ना कि 285 यूनिट तुम इमिट कर सकते हो, बट कुछ ऐसा हुआ कि तुम 260 ही यूनिट इमिट कर रहे हो, तो 25 यूनिट तुम्हारे पास फाजिल है, तो वो भी तुम सेल कर सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा यूनिट तुम गेन कर रहे हो वो भी बेच सकते हो, या तुम अपने यूनिट में से भी कुछ यूनिट दूसरे को बेच सकते हो। तो ये है कार्बन ट्रेडिंग। तो इंटरनेशनल मार्केट में कार्बन जो होता है वो पर टन CO2 के हिसाब से बेचा भी जाता है और खरीदा भी जाता है। इससे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बिकेम ए ट्रेडेबल कमोडिटी। क्या हो गया, इस ट्रेडिंग के कारण, कुल मिलाकर मार्केट मैकेनिज्म के कारण क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बिकेम ए ट्रेडेबल कमोडिटी। कोई दिक्कत? यहाँ क्या करता है, जो डेवलपिंग कंट्री है उससे भी परचेज कर सकता है या नहीं, कि जो एक एनएक्स कंपनी ये कंट्री है उसी से नहीं, अगर डेवलपिंग कोई कंट्री कुछ ऐसा कर रहा है तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसके लिए डेवलपिंग कंट्री को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। समझ में कि नहीं है, ये क्लियर है कि नहीं है, इतना क्लियर है? तो क्योटो प्रोटोकॉल में एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म भी तुमको दिया गया टारगेट अचीव करने, तो इट गिव्स यू अ फ्लेक्सिबिलिटी। हम समझ गए बाइंडिंग कमिटमेंट उन लोगों के ऊपर है, बट वो अगर मीट करना चाहे तो ऐसा भी तो होगा, डेवलपिंग कंट्री का भी तो होगा कि अभी आप इतना ही इमिट कीजिएगा, उससे कम करेगा तभी तो। छोटो प्रोटोकॉल में कुछ भी ऐसा नहीं था, ये हमने एम्पली क्लियर बता दिया है, ये कंफ्यूजन मत लाओ, क्योंकि इस लाइन को मैंने लगता है 3-4 बार बोला। ओनली डेवलप्ड कंट्री, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओनली डेवलप्ड को भी मारो बोली, ओनली 37 कंट्रीज। ठीक है, ये कंफ्यूजन मन में मत लाओ, जो चीज क्लियर है उसमें कंफ्यूजन मत लाओ। ओके, सुन रहे हो मुकेश? मतलब यहाँ ये कंफ्यूजन है कि डेवलपिंग कंट्री कैसे कार्बन क्रेडिट बेचेगा, कोई भी बेच सकता है, इसका कुछ तो लिमिट होगा, उस तभी तो इतना तक है आप कर सकते हैं, ज्यादा अगर करते हैं तो नहीं नहीं नहीं, तो तुम अपना कैप नहीं बेच सकते क्योंकि 285 वाला तुम्हारे पास नहीं है, बट कोई ग्रीन इनिशिएटिव लेके तुम वो तो अर्न कर नहीं सकते हो, फॉरेस्टेशन या कुछ करके वो तो करके तुम अर्न कर सकते हो ना। अरे ग्रीन कार्बन ट्रेडिंग बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा चीज है, मतलब बहुत लोग उसमें एंगेज हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत, बिल्कुल समझ रहा है ना, कार्बन ट्रेडिंग बहुत बड़ा चीज है, उसमें कोई भी मतलब वही है, कुल मिला के है कि क्या है, तुमने कोई इनिशिएटिव लिया, तुम मान लो इंडिया का कोई कंपनी हो, तुमने क्या किया, सारा तुमको पता होगा लाइव स्टॉक से मीथेन बहुत ज्यादा निकलता है, उसका गोबर पेशाब ये सबसे मतलब क्या होता है, मीथेन बहुत ज्यादा निकलता है, तुमने कोई कंपनी हुआ जो सबका गोबर ले जाके गोबर गैस बना के फ्यूल बना के बेच रहा है, तो उतना क्या हो गया, मीथेन कम हो गया, अब तुम्हारे पास वो यूनिट आ गया, तुमने प्रूव कर दिया वो कार्बन यूनिट आ गया, तुम किसी दूसरे देश को बेच दिया, बेचने का
अगर मान लो कोई दूसरे कंट्री को बेच दिया तुमने, तुमको पैसा दिया था एक तरह से, उसको तो उसका यूनिट हो गया, उसको वैसे देख के चला है ना। ऐसा थोड़ी है कि डेवलप्ड कंट्री का मतलब पकड़ा हुआ है कोई चीज, कोई टेंजेबल चीज थोड़ी है वो, तो खरीद बिक्री, हमने तुमको पैसा दिया तुमने मेरे बदले काम किया, इट्स जस्ट लाइक दैट। तुमको हमने पैसा दिया तुमने मेरे बदले काम कर दिया, ये तो ऐसा ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, तो क्या कहता है कि ये थ्री फ्लेक्सिबल मार्केट। अच्छा, इसका एक फायदा भी है। इसका फायदा क्या है? फायदा सबसे पहला है कि जहां पे सबसे पहला फायदा है कि जहां पे सबसे कॉस्ट इफेक्टिव वे में ग्रीन हाउस गैस कम हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, चाहे वो ग्रीन हाउस गैस इंडिया से निकले कि चाहे यूएसए से निकले, जाना इन्वायरमेंट में है, इंपैक्ट ग्लोबल होना है, ठीक है। तो जहां सबसे इफेक्टिव तरीके से कम हो सकता है वहां पे कम होगा। कहने का क्या मतलब है? कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। मेट्रो मान लो जापान में ऑलरेडी है, तो वहां उससे भी एफिशिएंट बनाने के लिए, मान लो वहां उससे भी कम ग्रीन हाउस गैस पैदा करने के लिए कुछ नया टेक्नोलॉजी तुमको लाना पड़ेगा, कुछ ज्यादा हाई फाई लाना पड़ेगा। पर दिल्ली में सेम टेक्नोलॉजी अगर तुमने भेज दिया तो कॉस्ट इफेक्टिव वे में, सिंपल वे में क्या हो गया, अचानक से ग्रीन हाउस गैस कम हो गए। तो ग्रीन हाउस गैस कम करने का कॉस्ट जो है वो कम हो गया। मान लो एलपीजी से कम गैस पैदा होता है, कम धुआं पैदा होता है, CO2 कम पैदा होता है, मान लिया। तो कितना भी करो, जो लोग ऑलरेडी एलपीजी पे हैं उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए तो तुमको कुछ और करना पड़ेगा। बट जो लोग धुआं लकड़ी लकड़ा जला के चूल्हा बना रहे हैं, उसके पास तुमने एलपीजी पहुंचाया तो क्या हो गया? सिंपल वे में ग्रीन हाउस गैस कम हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है? तो पहला, इसका सबसे पहला फायदा क्या हो गया इस मार्केट मैनेजमेंट का, कि जहां कॉस्ट इफेक्टिव वे में है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे में ग्रीन हाउस गैस कम हो जाएगा। कोई बाउंडेशन नहीं कि तुम अपने यहां का ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव करो, तुम जो है जहां कम कॉस्ट में तुमको समझ में आएगा वहां तुम कम कर लो। दूसरा फायदा क्या हो गया? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया। लीप फ्रॉगिंग बोलते हैं, लीप फ्रॉगिंग एक टर्म होता है जहां की होता है कि मतलब तुम जंप कर जाते हो। लीप फ्रॉग मतलब फ्रॉग जैसे जंप करता है ना, फ्रॉग तो रेंगता नहीं है, जंप करता है एक स्टेज से सीधे। अब मान लो गांव में कहां लकड़ी लोग चूल्हा जला रहे थे, हम लोग क्या कहते हैं? चूल्हा, स्टोव, तब एलपीजी। गांव में सीधे एलपीजी पहुंचा दे तो स्टोव का स्टेज वो लोग क्या हो गया? लीप फ्रॉग कर गया। समझ में? तो वही है, इससे क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जा रहा है। मान लो इंडिया में मेट्रो टेक्नोलॉजी आने में बहुत टाइम लगता, बट इसके कारण, जापान के इस प्रोजेक्ट के कारण क्या हो गया? टेक्नोलॉजी जल्दी आ गया, एक्सपर्टीज आ गया, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया। और तीसरा फायदा क्या? इन्वेस्टमेंट आ गया आपके यहाँ। अब मेट्रो का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया हमारे यहाँ, उससे मेरी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म का फायदा भी है। क्लियर है कि नहीं इतना? तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल, ये था क्योटो प्रोटोकॉल। अब एक चीज इसमें तुमने देखा होगा कि इसका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कहां से कहां तक था? 2008 से 2012। लेकिन फिर 2012 के बाद क्या होगा? तो डिस्कशन शुरू हो गया कि 2012 के बाद क्या होगा, ठीक है। तो इन लोगों ने दोहा में, इन लोगों ने क्या किया? दोहा में एक क्योटो प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट लाया। दोहा में इन लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल में क्या लाया? अमेंडमेंट लाया और बोला कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट करेंगे। और सेकेंड कमिटमेंट पीरियड होगा 2013 से 2020 का, क्योंकि पैरेलली पेरिस एग्रीमेंट वाला पार्ट भी नेगोशिएट हो रहा था कि 2020 के बाद कुछ नया करेंगे। पैरेलली क्या नेगोशिएट हो रहा था? पेरिस एग्रीमेंट वाला पार्ट भी नेगोशिएट हो रहा था। एक तो था कि ठीक है, 2020 के बाद कोई नया स्ट्रक्चर लाने की जरूरत है, एक तो ये रिकॉग्नाइज किया गया। एट द सेम टाइम क्या था कि भाई ठीक है 2020 में लाओगे, बट 2013 से 2020 के बीच में क्या करोगे? तो हुआ कि सेकेंड कमिटमेंट पीरियड हम लोग स्टार्ट करेंगे 2013 से 2020 के बीच में। तो ये दोहा में अमेंडमेंट लाया गया। इसका फैक्ट ये है कि जब ये एग्रीमेंट हुआ तो
बहुत सारी डेवलप्ड नेशन जो 37 में से थे उन लोगों ने हाथ खींच लिया, जापान, यूएसए, कनाडा, रशिया, इन सब ने बोल दिया हम लोग इसको रेटिफाई नहीं करेंगे। यूएसए पहला वाला को भी रेटिफाई नहीं किया था, बट रशिया, जापान ये सब बोल दिया कि हम लोग इसको भी रेटिफाई नहीं करेंगे, बहुत सारी कंट्रीज ने। फिर जो रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी नहीं हुई, इसके कारण ये एग्रीमेंट, ये जो सेकेंड कमिटमेंट पीरियड है, इंट्री इनटू फोर्स नहीं हुआ, इंट्री इनटू फोर्स नहीं हो पाया, सिंपली बिकॉज जैसे उसमें था कि कुछ 140 कंट्रीज के आसपास उसको एग्री रेटिफाई करना था, तो 140 कंट्रीज ने रेटिफाई ही नहीं किया, तो कुल मिला के ये इंट्री इनटू फोर्स नहीं हुआ। इंडिया ने रेटिफाई किया था, बट वही है कि इंडिया को कमिटमेंट नहीं था, तो इंडिया तो रेटिफाई कर नहीं लेगा, उसमें क्या है, ठीक है। तो जो जो कंट्रीज को कम करना था टारगेट, एक्चुअली उन लोगों ने क्या किया, फॉलो ही नहीं किया, तो कुल मिला के क्या हो गया, इशू डिफंक्ट हो गया, है कि नहीं, समझ में आ गया। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल की पूरी कहानी, फर्स्ट फेज सेकेंड फेज, ठीक है। तो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कब था, सेकेंड कमिटमेंट पीरियड था, सेकेंड कमिटमेंट पीरियड एंट्री इनटू फोर्स नहीं हुआ, और बाकी मार्केट मैकेनिज्म, इसमें कोई डाउट है अभी तक, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल को रोकेंगे, ठीक है, रोकेंगे।